नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 12 बजे बिल पेश करेंगे। लोकसभा के बाद फार्म लॉज रिपील बिल को आज ही राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में बिल वापसी को पहले ही मंजूरी मिल सकी है। लोकसभा के बाद आज ही राज्यसभा में पेश होगा बिल। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं रहे। आम आदमी पार्टी ने बैठक का वॉकआउट किया। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की। पीएम के बैठक में न आने से आप सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जताई। बैठक में 31 पार्टियों ने भाग लिया। विपक्षी पार्टियों के टॉप एजेंडे पर एमएसपी कानून रहा। पेगासस और बीएसएफ का यूरिडिक्शन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। कहा सरकार ने कोविड के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा छिपाया। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस ने बुलाई सभी विपक्षी दलों की बैठक। बैठक में टीएमसी नहीं होगी शामिल। कांग्रेस ने बुलाई सभी विपक्षी दलों की बैठक। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 83वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों से भी बात की। पीएम ने जनजाति समुदाय के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जनजाति गौरव सप्ताह भी मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। मन की बात पर बोले पीएम मोदी, मेरे लिए पद सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए है। कहा मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं। पीएम ने कहा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। वहां चक्रद इंडिया गैलरी है। यहां ऑस्ट्रेलिया की निवासी जगदत्त तारिणी जी की कोशिशों का नतीजा है। पीएम ने कहा जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति भी हमें संरक्षण देती है। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई बैठक। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा नेताओं से की मुलाकात। सांसद में चर्चा के दौरान सांसद गिनाएंगे कृषि व कानूनों के फायदे। मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर सीएम हाउस में बैठक। सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की मंत्री से बात। बिसाहूलाल के बयान पर सीएम शिवराज ने जताई नाराजगी। बिसाहूलाल सिंह ने सीएम से मांगी माफी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी जताई नाराजगी। बिसाहूलाल के बयान पर सीएम शिवराज की सफाई। कहा सभी वर्गों की मां बहन और बेटियों का कल्याण और सम्मान बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि हमने बिसाहूलाल सिंह से बात की और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और यह निर्देश दिए हैं कि भावनाएं चाहे जो कुछ भी हो संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने दी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को कड़ी चेतावनी। कहा सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि मैंने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि एक एक शब्द तोल कर बोलना चाहिए। ऐसे कोई शब्द ना हो जिससे गलत संदेश जाए। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सवर्ण महिलाओं के लिए दिए बयान को लेकर वीडी शर्मा ने मांगे माफी। कहा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माफी मांगता हूँ। शर्मा ने बिसाहूलाल सिंह को भी दी नसीहत। कहा किसी भी नेता को या मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। माफी के बावजूद कांग्रेस ने की बिसाहूलाल को हटाने की मांग। कहा माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मंत्री पद से हटाए सरकार। बिरसिया में भी कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल साहू के आपत्तिजनक बयान को लेकर कर्मसेना और राजपूत समाज ने मंत्री का पुतला फूंका और उन पर अपराध दर्ज करने की मांग की। रायसेन में भी हो रहा बिसाहूलाल का विरोध। राजपूत समाज के लोग मंत्री का पुतला लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते दिखे।
विदिशा में भी हो रहा है बिसाहूलाल सिंह का विरोध, जगह जगह हो रहे पुतला दहन, मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की उठ रही मांग। भोपाल में महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल से इस्तीफा देने की मांग की है। महिला कांग्रेस ने मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन करके जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में भी हुआ मंत्री बिसाहूलाल के खिलाफ प्रदर्शन, राजपूत समाज की महिलाओं ने किया पुतला दहन। भोपाल में कृषि कानूनों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कृषि से जुड़े कई निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क, सीएम शिवराज सिंह ने बुलाई आपात बैठक। मंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर एसपी से नए वेरिएंट को लेकर बातचीत करेंगे। एमपी में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, प्रदेश भर में 24 घंटे में मिले 20 से ज्यादा नए केस, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 110 के पार। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर शहडोल जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, कलेक्टर एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरस से आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की। झाबुआ में टीकाकरण के लिए कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरे, बहादुर सागर तालाब के पास ग्रामीणों को सड़क रोक रोक कर टीके की जानकारी दी। आगरमालवा में बर्ड फ्लू की दस्तक, 33 लोगों की मौत, नगरपालिका और पशुपालन विभाग सक्रिय। ग्वालियर में बोले मोहन भागवत का समाज सही हो तो देश का भाग्य बदलता है। भागवत ने कहा कि धर्म वह है जो मनुष्य का अनुशासन देकर दोनों लोकों में सुख दे, कदम से कदम मिलाने से मन मिलता है। उन्होंने कहा कि सबको जोड़ते हुए शांति से सबको आगे बढ़ना है। 1857 से तैयारी चली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर साधक संगम कार्यक्रम के समापन में पहुंचे उस्ताद अमजद अली, संघ प्रमुख मोहन भागवत के आमंत्रण पर पहुंचे हैं। संघ प्रमुख के आमंत्रण पर आने पर जताई खुशी, कहा मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी बड़े विद्वान आदमी हैं, ग्वालियर आना मेरे लिए तीर्थ स्थान जैसा जगह है। पुणे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, महात्मा फुले सम्मान मिलने पर कहा यह बहुत बड़ा सम्मान मिला। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज देवसर जिला कुलगाम कश्मीर में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। विवेक तन्खा ने लिखा सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कश्मीर संस्कृति और जनता के प्रति प्रेम और हमदर्दी की मिसालें बताई गई। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ। ऑटोपार्ट व्यापारी संजय जोशी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पत्नी अर्चना जोशी सुखोर बबली से कर्ज लेती रही। व्यापारी ने बताया कि पत्नी ने कर्ज की बात उन्हें कई माह तक नहीं बताई। संजीव ने जब बबली गैंग को घर में रोज बैठते देखा तो पत्नी से कारण पूछा, इसके बाद पत्नी ने सच्चाई बताई। बेटों की पढ़ाई व अन्य खर्च के लिए कई किस्तों में 3,70,000 रुपए ब्याज पर लिए, जिसमें 80,000 रुपए वापस कर दिए, बाकी रुपयों के लिए बबली गैंग परेशान करती रही। घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में शनिवार देर रात घर के मुखिया संजीव जोशी की भी मौत हो गई। जबलपुर में गोरा बाजार में अंधी हत्या का हुआ खुलासा, मूंगफली का बोरा चुराने पर डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या। शनिवार को सोहित सोनी की गोरा बाजार अनंत अंतारा के पास मिली थी लाश, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस की तरफ से मशाल रैली का आयोजन किया गया। मशाल रैली कमल के राह से चलकर शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरा।
दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध किया। रैली में घरेलू गैस और महंगाई के बैनर पोस्टर लगाकर रैली निकाली गई। मशाल रैली में कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली की अगुवाई प्रभारी एडवोकेट साजिद अली ने की। कटघोरा जनपद पंचायत सीईओ खोटेल को हटाने की मांग जारी है। इसे लेकर जनपद सदस्यों का धरना प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। इस दौरान सचिव संघ का काम बंद क्लब बंद कर धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं। सचिव संघ ने 29 नवंबर को जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना टीकाकरण महाअभियान में हिस्सा न लेने की बात कही। सचिव संघ के अध्यक्ष जयपाल सिंह ने कहा, जब तक जिला प्रशासन सीईओ खोटेल को कटघोरा जनपद से नहीं हटाया जाएगा तब सभी सचिव काम बंद। पूर्व मंत्री कुसुम महदेली ने ट्वीट करके बीजेपी पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि हम ना वरिष्ठ हैं और ना ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में शामिल। जसपुर के तमताथान खरीदी केंद्र के प्रबंधक के खिलाफ स्थानीय किसानों ने मोर्चा खोल दिया। शिकायत के बाद प्रबंधक का ट्रांसफर हुआ। कवर्धा में आधी जली महिला की लाश मिलने से ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। महासमुंद के पटेवा में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग जगहों से चोरी की गई 20 मोबाइल किया जब्त। छिंदवाड़ा के इकलहर निवासी दीपू राय का हाथ एक एक्सीडेंट में खराब हो गया। उसे सिर्फ 40% का टेम्परेरी सर्टिफिकेट जारी किया गया। दीपू अपना एक हाथ एक्सीडेंट में गंवा चुका था और अपने एक हाथ में 50% से ज्यादा का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। विदिशा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। TI संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद का इंजीनियर अंकित अपने दोस्तों से मिलने इंदौर पहुंचा था, जहां अंकित के ही 3 दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। उसके दोस्तों ने उसकी हत्या खाते में लाखों रुपए होने के चलते की है और उसके खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए थे। इस दौरान तीनों अंकित के परिजनों से मोबाइल पर अब अंकित बनकर चैटिंग करते रहे, लेकिन परिजनों को शक हुआ तब उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। देवरा के सिमरिया टुकड़ी गांव में झोलाछाप डॉक्टर की हैवानियत सामने आई है, जहां झोलाछाप डॉक्टर कुत्ते को धारदार हथियार से काट दिया। आवारा कुत्ते ने एक दिन पहले डॉक्टर के बेटे को काट लिया था, जिसमें गुस्साए डॉक्टर ने कुत्ते को पकड़कर धारदार हथियार से मार दिया। भिंड में नकली दूध बनाने वाली डेयरी में पुलिस ने छापा मारा। यहां पुलिस को मिलावटी 5000 लीटर दूध, 300 किलो क्रीम और 100 किलो मिलावटी घी मिली थी। 50 लीटर केमिकल के साथ पुलिस ने 10 लीटर शैंपू भी बरामद किए हैं। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। छतरपुर महिला नसबंदी ऑपरेशन के दौरान दिखी बड़ी लापरवाही। महिलाओं को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। महिला को गोद में लेकर ही मरीज महिलाओं को ऑपरेशन टेबल से उठाकर जमीन पर लिटा दिया गया। बिना कंबल और पलंग के रात में जमीन पर लेटना पड़ा। दंतेवाड़ा में गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने गांव पहुंची 108 संजीवनी की टीम। गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नक्सलियों के धमकी को भी नजरअंदाज किया। आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला वन महोत्सव महासमुंद जिले में मेहसखाना पूर्ति और कागजों में सिमटकर रह गया। चार महीने पहले 2400 पौधे रोपे जाने थे, लेकिन वन विभाग ने केवल 2 दर्जन पौधे रोपे। कवर्धा में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में भगवा ध्वज के अपमान और हटाने का मामला सामने आया था। इस दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई।
मामला शांत होने के बाद 27 नवंबर को उसी जगह हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ भगवा ध्वज का भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर के वाणी कॉलोनी में बीती रात इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बदमाश दुकान की शटर का लॉक तोड़कर सामान और नकदी चोरी कर ले गए। टीकमगढ़ में युवक की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटनास्थल के पास शराब की खाली बोतलें भी मिली। ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल का कारावास की सजा सुनाई गई, वहीं एक को 7 साल की सजा सुनाई गई। ग्वालियर के सेंट्रल जेल का दौरा करने आए जेल डीजी गाजीराम मीणा ने जेल की अव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी जेल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद बुजुर्ग महिला और पुरुष परेशानियों से जूझ रहे। ग्वालियर में दीपावली के बच्चे पटाखे घर में जलाने से एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल। जांजगीर में हसदेव नदी में चांपा तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम की दबिश। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भागे। मित्रा में 2 दिन से लापता युवक की लाश शिवनाथ नदी में मिली। लाश को जिला अस्पताल पहुंचाकर किया गया पोस्टमार्टम। सतना में 2 गाड़ियों के आमने सामने आने के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पेंडुआ के सरखोर गांव के मिडिल स्कूल के 7वीं के एक बच्चों का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में बच्चा गाने पर थिरकना शुरू कर दिया। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी प्रदेश संगठन तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बीजेपी एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। इस नए वेरिएंट से पिछले 1 हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा मामले बढ़े। खतरे को लेकर कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा। इस वायरस के किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज्यादा जाने समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग मिले पॉजिटिव। दोनों में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए। अब पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़का। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 322 नए मामले आए सामने। 176 मरीज डिस्चार्ज। मुंबई में कोरोना वायरस के 230 नए मामले आए सामने। 248 से कम। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 740 नए मामले आए सामने। 769 मरीज ठीक हुए। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4441 नए मामले आए सामने। 6632 लोग ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27 नए मामले आए सामने। 37 रिकवर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला जा रहा है पहला टेस्ट रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। इसके जवाब में न्यूजीलैंड एक विकेट गंवा चुका है। 4th दिन का खेल समाप्त होने तक कीवी टीम ने एक विकेट गंवाकर 4 रन बना लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर नहीं चला रहाणे और पुजारा का बल्ला। सोशल मीडिया पर फैंस ने उड़ाया मजाक।